तीसरा अपडेट ये है अबाउट द गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मैंने ट्वीट किया था, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। जी हाँ, एक छोटा सा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। स्वागत है दोस्तों रेल फ्रेंड्स आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट सेवरल न्यू अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, सेवरल न्यू अपडेट्स के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग अच्छे से बोलने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग अच्छे से देखिए, और खासकर जो कि है मैं गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में भी आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ, एक खास अपडेट। जी हाँ, जो कि मैंने ट्वीट किया था इसके रिगार्डिंग ट्विटर पे, तो मुझे रिप्लाई मिला कि नहीं, या मैंने किस बारे में एक्चुअली कैसे मतलब एक्चुअली ट्वीट किया था, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। एंड ऑल्सो दोस्तों, जो कि चेनाब ब्रिज, जी हाँ, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है चेनाब ब्रिज, तो इस ब्रिज के बारे में भी एक छोटा सा अपडेट है, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, एक नया वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि तिरुवनंतपुरम से लेके कासा रोड के बीच में, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है कल ही बाय द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये फ्लैग ऑफ किया गया है, तो इसके बारे में भी आप लोग को मैं बोलूंगा। और साथ ही जो कि नाहरलगुन टू एसएमबीटी बेंगलुरु एंड मोरकोंग सेलेक्ट टू एसएमबीटी बेंगलुरु, जो कि स्पेशल ट्रेन सर्विस चलाना चाहिए, जो कि मैंने ट्वीट किया था, तो इसका भी जो कि है रिप्लाई आ चुका है, और मुझे एक्चुअली रिप्लाई में क्या मिला है आप लोग को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आप लोग एंड तक अच्छे से देखिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला आता है अबाउट दी चेनाब ब्रिज के बारे में। जी हाँ, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। तो दोस्तों दर्शना जरदोश, जी हाँ, तो श्रीमती दर्शना जरदोश जी के द्वारा जो कि है इस ब्रिज को एक्चुअली इंस्पेक्शन किया गया है, जो कि एक ट्वीट है, छोटा सा एक ट्वीट दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और साथ ही जो कि दर्शना जरदोश जी ने, श्रीमती दर्शना जरदोश जी ने जो कि खुद ट्वीट भी किया था दोस्तों। मैं आप लोग ऑन स्क्रीन दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं ट्वीट। तो इसमें लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पेज में, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे श्रीमती दर्शना जरदोश विजिटेड द चेनाब ब्रिज, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, एंड इंस्पेक्टेड वर्क एग्जीक्यूटेड इन दिस इंजीनियरिंग मार्बल। तो फोटोज वगैरह जो कि मैं आप लोग ऑन स्क्रीन भी अच्छे से दिखाना, और साथ ही जो कि ट्वीट एक्चुअली इसके रिगार्डिंग किया गया, एक छोटा सा ट्वीट, जो कि दोस्तों जो कि है विजिट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवे मिनिस्टर, जो कि श्रीमती दर्शना जरदोश जी है, तो उन्होंने खुद इस ब्रिज में जाकर जो कि इंस्पेक्शन वगैरह किया। तो आप लोग फोटोज़ वगैरह भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, तो इस ब्रिज को कौन से पार्ट से लेकर कौन से पार्ट तक एक्चुअली लिंक करने वाला है, तो आप लोग को अगर डिटेल वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में भी आप लोग को वीडियो दूंगा बहुत जल्द। और साथ ही दोस्तों सेकेंड अपडेट की तरफ आते हैं, जो कि अबाउट द वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में है। जी हाँ, तो केरलास फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैं बात बोलने वाला हूँ इस वीडियो में अभी। तो तिरुवनंतपुरम से लगे जो कि है कासा रोड, जी हाँ, कासा रोड के बीच में जो कि है पहला वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस किया गया है कल ही। ऑन 25th of April of 2023, तो इसमें जो कि छोटा सा ट्वीट किया गया था, जैसे कि हम आप लोग को ऑन स्क्रीन भी अच्छे से दिखाना आप लोग देख सकते हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कि है ये ट्रेन फ्लैग ऑफ किया गया है, और इसमें लिखा गया है रेल इंफ्रा पावरिंग केरलास ग्रोथ, जो कि पोस्टर वगैरह में आप लोग अच्छे से दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, आप लोग देख सकते हैं। छोटा सा ही अपडेट है, ज़्यादा कुछ बड़ा अपडेट नहीं है। और इस ट्रेन सर्विस के इनोग्रेशन के दौरान दोस्तों, जो कि केरलास जो कि फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जो कि है मोहिनीअट्टम डांस, जो कि इनोग्रेल के वक्त में जो कि एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया है इस डांस फॉर्म के साथ, जो कि इस ट्रेन सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है या फ्लैग ऑफ किया आप लोग बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मैं वीडियोज़ वगैरह प्ले करके दिखाना आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अभी जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है इस डांस फॉर्म के साथ, जो कि इस ट्रेन को इनोग्रेट किया गया है, और साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि है केरलास फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है, और होप फॉर द बेस्ट जो कि नेक्स्ट गुवाहाटी तक भी दोस्तों जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है बिटवीन एनजीपी टू गुवाहाटी के बीच में ये भी इनोग्रेट हो जल्द से जल्द दोस्तों। तो अभी आता है तीसरे अपडेट की तरफ। तो तीसरा अपडेट ये है अबाउट द गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मैंने ट्वीट किया था, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। जी हाँ, एक छोटा सा न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं जो कि ट्वीट मैंने किया था वंदे भारत एक्सप्रेस के रिगार्डिंग गुवाहाटी टू एनजीपी।
तो इसमें लिखा है मैंने, ऑनरेबल रेलवे ऑफिशियल्स, फ्रॉम व्हेन गुवाहाटी टू एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस विल रन, कैन यू टेल अस द एक्चुअल डेट्स एज मेनी पीपल्स आर वेटिंग टू गेट एक्सपीरियंस इन वंदे भारत एक्सप्रेस एज इट इज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ आसाम। और इसके साथ साथ जो कि है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को, साथ ही NFR के जो कि ऑफिशियल ट्विटर पेज है उसको मैंने टैग किया है, और साथ ही DRM RNY जो कि रंगिया डिवीजन के DRM है, डिविजनल रेलवे मैनेजर, तो उनको भी मैंने टैग किया है, और साथ ही लमदिंग डिवीजन के जो कि DRM को भी मैंने टैग किया है। तो इसी दौरान जो कि है मुझे रिप्लाई भी मिला है, तो DRM रंगिया के तरफ से जो कि है DRM लमदिंग को एक्चुअली लुक इन यू द मैटर बोल के रिप्लाई किया है। बट एक्चुअल जो कि DRM है जो जैसे कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन लमदिंग डिवीज़न के अंदर में आता है, तो लमदिंग डिवीज़न के तरफ से कुछ भी मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला एक्चुअली। जैसे ही मुझे मिलता है मैं आप लोग को वीडियोज़ के थ्रू नोटिफाई करूंगा। और साथ ही दोस्तों दूसरा जो कि ट्वीट है अबाउट दी नाहरलगुन टू SMVT बेंगलुरु एंड मोरकोंग सेलेक्ट टू SMVT बेंगलुरु के बीच में जो कि मैंने बोला था, जिस ट्रेन के बारे में मैंने एक्चुअली डिमांड किया था या जो कि आप लोग का डिमांड था, तो उसका मुझे रिप्लाई मिल चुका है ट्विटर पर। तो वो जो कि मेरा एक्चुअली बात है, तो DRM रंगिया के तरफ से जो कि है डिविजनल रेलवे मैनेजर की तरफ से मुझे रिप्लाई आ चुका है, और इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑन स्क्रीन नोटेड इसमें लिखा गया है नोटेड, तो इसको मैंने फिर से रिट्वीट भी किया है, तो इसमें नोटेड यानी मेरे बात को एक्चुअली नोट किया गया है, या जो कि इन फ्यूचर हम लोग को बहुत जल्द शायद देखने के लिए मिलेगा इन फ्यूचर, और जो कि नया ट्रेन सर्विस बिटवीन SMVT बेंगलुरु टू मोरकोंग सेलेक्ट हो या नाहरलगुन तक हो, तो मेरे बात को एक्चुअली नोट किया गया है बाय द DRM ऑफ रंगिया। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, मेरे बात को अच्छा नज़रअंदाज नहीं किया उन्होंने, जो कि अच्छे से एक्सेप्ट किया मेरे बात को, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और रिप्लाई किया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, रेल फैंस आसाम के जो कि मेंबर्स हैं मेरे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो कि मेरे रेल फैंस हैं, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है रिप्लाई मिलने के साथ साथ, तो आप लोग कमेंट कीजिए फिर से आप लोग। और लास्ट जो कि वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक्चुअली कमेंट्स वगैरह किया, तो उसके लिए मुझे बहुत एक्चुअली अच्छा लगा। तो होप फॉर द बेस्ट, इस वीडियो में भी आप लोग कमेंट से भर दीजिए इस कमेंट बॉक्स को, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को, और साथ ही जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, एंड ऑल्सो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग पहली बार के लिए मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल के किसी भी वीडियोज़ को देख रहे हैं दोस्तों। तो होप फॉर द बेस्ट, जैसे कि मैंने सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफाई किया, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे अपडेट पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।